स्टोरी बिहाइंड इट की आज की कहानी में हम आपको टाइटैनिक के पन्ने से लेकर उसके डूबने तक के सफर के बारे में बताएंगे। टाइटैनिक में पैसेंजर्स के वो कभी ना भुलाए जाने वाले 2 घंटे 40 मिनट कैसे रहे होंगे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं टाइटैनिक का पहला और अंतिम सफर। 10 अप्रैल 1912, ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे विशाल और भव्य शिप टाइटैनिक अपना पहला और आखिरी सफर शुरू करने जा रहा था। जहाज को देखने लगभग 1,00,000 लोग आ चुके थे। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। जब टाइटैनिक बनके तैयार हुआ तो वो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी। ये 882 फीट यानी की 3 फुटबॉल के मैदान जितना लंबा और 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। अपने सफर के दौरान ये जहाज 2 जगह रुकता है, चेरबर्ग नॉर्दर्न फ्रांस और कोप आयरलैंड में। न्यूयॉर्क टाइटैनिक का लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला था। जितना ये बाहर से अच्छा दिखता था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये अंदर से था। टाइटैनिक जहाज का इंटीरियर डिजाइन लंदन के रिज होटल से लिया गया था। जहाज में एक जिम, एक स्विमिंग पूल, बार्बर शॉप, टर्किश बाथ, 2 बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज थीं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए। थर्ड क्लास में सफर कर रहे 706 पैसेंजर्स के बीच 2 ही बाथटब दिए गए थे। शिप के तृतीय श्रेणी के एक कमरे में 6 लोग रहते थे। टाइटैनिक शिप का अपना एक अखबार भी था जो कि द अटलांटिक डेली बुलेटिन के नाम से छपता था। टाइटैनिक को बनाने में 2 साल से भी अधिक का समय लगा था और इसे बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था। भव्य सीढ़ी टाइटैनिक की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता थी, जिसमें स्टील और ग्लास की गुबंदार छत थी जो समय के सम्मान और गौरवशाली आंकड़ों को दर्शाती थी। टाइटैनिक की 4 चिमनियां थी, लेकिन 4 चिमनियों में से 4थी चिमनी नकली थी, जिसे केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए और खूबसूरत दिखाने के लिए लगाया गया था। और इस बड़े जहाज को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ रही थी, जिसके लिए 176 लोग रात दिन लगे हुए थे। जहाज से निकलने वाली तकरीबन 100 टन राख को हर दिन समुद्र में बहा दिया जाता था। क्या आप जानते हैं, टाइटैनिक का बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया था जैसे कि ये अब तक का सबसे बड़ा और आलीशान शिप है, ये कभी डूब नहीं सकता, द अनसीन केबल टाइटैनिक। लेकिन इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए कोयले की कमी हो गई। कोयले की कमी से टाइटैनिक के सफर में बाधा हो रही थी। इसे दूर करने के लिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जो कि टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी भी है, इसको अपने दूसरे जहाज जैसे कि ओशियनिक और एड्रियाटिक की यात्रा रद्द करनी पड़ी और इन जहाजों के कोल स्टॉक और कुछ यात्रियों को टाइटैनिक पर शिफ्ट कर दिया था। कैप्टन ईजे स्मिथ के ऑर्डर से टाइटैनिक को 22 नॉट की फुल स्पीड से इस विशाल समुद्र में दौड़ाया जा रहा था और इसकी फुल स्पीड 24 नॉट की थी। 14 अप्रैल 1912 शाम का वक्त, हवा तेज थी जिस वजह से लहरें ऊंची उठ रही थी। डिनर चल रहा था। टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक सागर में था जहां जमा देने वाली ठंड थी। टाइटैनिक वायरलेस समुद्र में सबसे शक्तिशाली में से एक था, जिसकी सीमा 2500 मील की थी। पूरी यात्रा के दौरान ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरोल्ड ब्राइट को नियमित रूप से आइसबर्ग की चेतावनी मिल रही थी। कुल मिला के टाइटैनिक को 6 बार वार्निंग मिल चुकी थी। वायरलेस ऑपरेटर मार्कोनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उनका प्राथमिक उद्देश्य यात्रियों के संदेश को आगे पहुंचाना था। रात के लगभग 9:40 के आसपास मेसाबा जहाज टाइटैनिक को बर्फ के मैदान और चट्टानों की चेतावनी भेजता है, लेकिन वार्निंग की अनदेखी की गई। 10:50 कैलिफोर्निया जहाज से एक मैसेज भेजा जाता है कि वो मार्ग में बर्फ के बीच फंस चुका है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स यात्रियों के संदेशों को संभालने में ही व्यस्त थे और वो बार बार ऐसी चेतावनियों से परेशान होकर कैलिफोर्निया के ऑपरेटर पर नाराज हो जाते हैं। 11 बजे तक स्मिथ ने टाइटैनिक को धीमा नहीं किया था। कुछ बचे लोगों ने बताया कि व्हाइट स्टार लाइन चेयरमैन ब्रूस इस्मे ने कैप्टन स्मिथ से ऐसा आग्रह किया था कि वह टाइटैनिक को तेज चला के तय दिन से एक दिन पहले ही पहुंचा दें, जिससे वो अपनी रफ्तार के लिए अखबारों की सुर्खियों में आ जाए। और इसलिए कैप्टन ने बर्फीले क्षेत्र में भी टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया और हादसा हो गया। आइसबर्ग के नजर आने के 37 सेकंड के अंदर
टाइटैनिक उससे जा टकराया। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम को इंजन रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था, और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया था, लेकिन ये उसे आइसबर्ग से बचाने के लिए काफी नहीं था। यदि 30 सेकंड और पहले पता लग जाता तो टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। रात 11:40 अचानक टाइटैनिक को एक जोरदार झटका लगता है और थोड़ी देर बाद शिप को बीच समुद्र में रोक दिया जाता है। एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया था जो कि 100 फीट ऊंचा होगा। टक्कर इतनी जोर की थी कि उस हिमखंड के कुछ टुकड़े शिप में भी आ गिरे थे। फ्रेडरिक फ्रीड, उम्र 25 साल, आइसबर्ग को सबसे पहले देखने वाला क्रू मेंबर था। उसने तुरंत अलर्ट जारी किया। कैप्टन स्मिथ कुछ ऑफिसर्स के साथ जहाज की जांच और उसके नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। उनके चेहरे और हाव भाव से लग रहा था कि बात बहुत गंभीर है। उनके अनुसार जहाज आइसबर्ग से बचने के लिए पर्याप्त फुर्तीला नहीं था। जैसे ही शिप उस आइसबर्ग के किनारे से टकराया उसने जहाज के स्टील प्लेटों में छेद कर दिया जिससे 6 डब्बों में पानी भरना शुरू हो गया था। शिप के वॉचगार्ड से जब इंक्वायरी की गई तो उसने बताया कि उसके पास उस समय कोई दूरबीन उपलब्ध नहीं था, क्योंकि टाइटैनिक के सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर, जिन्होंने अपनी जेब में स्टोर रूम की चाबी रखी थी और दूरबीन भी उसी में लॉक था, उन्हें साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होने से पहले टाइटैनिक से दूसरे शिप में ट्रांसफर कर दिया गया था, और वो उनकी जगह नियुक्त किए गए दूसरे ऑफिसर को चाबी देना भूल गए थे। शिप के गार्ड ने यह भी बताया, जो कि उस समय निगरानी कर रहा था, कि अगर हमारे पास उस वक्त दूरबीन होता तो समय रहते ही आइसबर्ग को देख लेते और यह हादसा होने से बच जाता। जैसे जैसे समय गुजर रहा था सबके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और डर बढ़ रहा था, और इन सबके बीच क्रू मेंबर्स सबको उनके कैबिन और उनके पास जा जाकर ये कहने लगे कि आप सभी जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट पहन लें और जितनी जल्दी हो सके ऊपर डेक में पहुंच जाएं। वो ये सब इतनी हड़बड़ी में और जल्दबाजी में कर रहे थे कि किसी के पूछने पर भी कि बात क्या है इसकी पूरी जानकारी दिए बिना ही आगे बढ़े जा रहे थे। स्थिति की गंभीरता तब समझ में आई जब वार्निंग और मदद के लिए वो पहला रॉकेट आसमान में छोड़ा गया। वो जैसे जैसे आसमान में ऊपर जा रहा था लोगों की नजरें भी एक उम्मीद से आसमान की तरफ उस रॉकेट को जाते देख रही थीं। उसकी रोशनी से पूरा आसमान और समुद्र जगमगा उठा। ये दृश्य जितना सुंदर लग रहा था लेकिन इसका अर्थ इसके बिल्कुल विपरीत था। ये इस बात की ओर इशारा था कि कभी ना डूबने वाला शिप अब बस डूबने ही वाला है। चारों ओर मायूसी और थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। इसके कुछ पल बाद ही जहाज में चारों ओर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। उन सब के लिए सबसे बुरी खबर ये थी कि टाइटैनिक में 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर के बीच केवल 20 लाइफ बोट्स ही थीं, जबकि टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट्स के लिए जगह थी। लेकिन टाइटैनिक के निर्माताओं ने सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी थी, क्योंकि ज्यादा लाइफ बोट रखने से शिप की खूबसूरती खराब हो जाती, उससे ढक जाती, और उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस कि ये अनसिंकेबल शिप है, ये कभी डूबेगा ही नहीं, जिस वजह से पैसेंजर्स की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, जिसकी कीमत पैसेंजर्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हिमशैल से टकराने के 1 घंटे बाद पहली लाइफ बोट जारी की गई, लेकिन टाइटैनिक में उस वक्त मची अफरा तफरी में और क्रू की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टाइटैनिक ने अपनी पहली लाइफ बोट को तब तक जारी नहीं किया जब तक कि पूरा 1 घंटा नहीं बीत गया। जबकि ये किसी भी शिप के लिए सामान्य बात है कि जहाज के दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने पर लाइफ बोट को तुरंत जारी किया जाना चाहिए। टाइटैनिक के चालक दल के पास पहले से ही बहुत कम समय था क्रू को तैयार करना था अपनी पहली यात्रा के लिए ट्रेनिंग देने में। इसके एकदम विपरीत कैप्टन स्मिथ ने क्रू लाइफ बोट ट्रेनिंग को ही कैंसिल कर दिया बिना किसी कारण के, और इस ट्रेनिंग को कभी भी रीअरेंज नहीं किया गया था। उस रात जब टाइटैनिक डूब रहा था ये पहली बार था जब चालक दल ने कभी लाइफ बोट को रोल आउट करने का प्रयास किया था। इस भूल की वजह से बहुत देर हो गई थी और बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसमें भी जब लाइफ बोट नंबर 1 में 40 लोग आ सकते थे लेकिन 7 क्रू मेंबर्स और 5 पैसेंजर से लेके भाग गए।
वैसे भी लाइफ बोट साथ में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे 24 लोग लेकर चले गए अपनी जान बचाने के लिए। उस टाइम वहां पे ये प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था कि महिलाओं और बच्चों को पहले उतार दिया जाए। टकराव के बाद भी थर्ड क्लास स्पेस को दूसरी क्लास से अलग करने वाले गेट को लॉक रखा गया था, जिससे कि फर्स्ट क्लास के लोगों को जहाज से आराम से निकाल लिया जाए और फिर सेकंड क्लास और बाद में थर्ड क्लास को निकाला जाए। एस्टर, जो कि शिप में सबसे अमीर व्यक्ति थे, लाइफ बोट की कमी की वजह से वो भी अपनी पत्नी के साथ लाइफ बोट में नहीं बैठ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को लाइफ बोट में बिठाया और उसे अलविदा कहा और फिर वो जहाज के डेक पे जाकर खड़े हो गए और वो भी टाइटैनिक के साथ डूब गए। ऐसा माना जाता है कि तेज गति की वजह से जब टाइटैनिक की आइसबर्ग के साथ टक्कर हुई तो उस वजह से ज्यादा नुकसान पहुंचा और उसके कुछ कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा, लेकिन टाइटैनिक के डिजाइनर एंड्रयू ये तुरंत समझ गए थे कि 4 से अधिक कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और अब टाइटैनिक डूब जाएगा। वाटर टाइट कंपार्टमेंट केवल ई डेक तक ही बने हुए थे और अब पानी उसके भी ऊपर जा चुका था, जिससे शिप आगे की तरफ झुकने लगा था। कैप्टन स्मिथ वायरलेस रेडियो ऑपरेटर्स को इमरजेंसी संकेत भेजने का आदेश देते हैं, लेकिन सामान्य अलार्म का आदेश नहीं देते हैं। लेकिन जब शिप डूब रहा था तब यही ब्रूस इसमें अपने सभी क्रू मेंबर्स और सभी पैसेंजर्स को उनके हालात में डूबता हुआ छोड़कर बचने के लिए नीचे उतरती हुई एक लाइफ बोट पे छलांग लगा के बैठ जाते हैं और जिंदा बच जाते हैं, जिसके लिए पूरी लाइफ उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। अब जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तो टाइटैनिक सिस्टर ओलंपिक उसके सिग्नल पर रिस्पांस भेजती है, लेकिन वो टाइटैनिक से 500 माइल्स की दूरी पर है तो वो समय पे नहीं पहुंच पाएगी और इतना समय टाइटैनिक के पास नहीं था। 12:45 माउंट टेम्पल शिप भी टाइटैनिक को रिस्पांस भेजता है और वो उससे 50 माइल्स की दूरी पर है, लेकिन बर्फ की चट्टानों और मैदानों ने उसका रास्ता रोक रखा है। 12:20 कार्पेथिया तक ये इमरजेंसी सिग्नल पहुंचता है और वो मैसेज भेजता है कि वो टाइटैनिक की मदद के लिए निकल चुका है। हालांकि कार्पेथिया एक थीमा जहाज है और वो टाइटैनिक से 58 माइल्स की दूरी पर है और से टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा तक का समय लगेगा। और रशियन स्टीमर बिर्मा, जो कि 70 माइल्स की दूरी पर था, जब उसे टाइटैनिक का SOS मिला, लेकिन वो भी टाइटैनिक से बहुत दूरी पर था। अब पास का कार्पेथिया जहाज ही टाइटैनिक की आखिरी उम्मीद बचा था। एक तरफ टाइटैनिक से लगातार मदद के लिए सिग्नल भेजे जा रहे थे और वहीं दूसरी ओर टाइम गुजरने के साथ टाइटैनिक तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और उसमें फंसे पैसेंजर्स कुछ अपनी और कुछ अपनों की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो अंतिम कुछ पल इतिहास में कभी भुलाए नहीं जाएंगे। वहीं बीतते समय के साथ थर्ड क्लास के पैसेंजर्स में भी आक्रोश पड़ने लगा था। वो भी अब अपनी जान बचाने के लिए ऑफिसर से लड़ने लगे कि उन्हें भी बचने का मौका दिया जाए और अब वो भी धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने लगे और लाइफ बोट में चढ़ने की कोशिश करने लगे, जिस वजह से जहाज में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जो कि स्वाभाविक थी। इसके विपरीत टाइटैनिक में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाने में लगे हुए थे। जहाज के डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियंस आखिरी सांस तक म्यूजिक बजाते रहे, ताकि वो ऐसे मुश्किल समय में जहाज के यात्रियों को उनके आखिरी पलों तक शांत और सकारात्मक रख सके। सोचिए उस वक्त उनके दिलो दिमाग की क्या स्थिति रही होगी कि वो लोग अपनी आंखों के आगे उस लास्ट लाइफ बोट और उनके बचने की आखिरी उम्मीद को दूर जाते देख रहे होंगे, पर फिर भी उन्होंने म्यूजिक बजाना बंद नहीं किया और अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। वो लोग टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में समा गए। जैसे जैसे टाइटैनिक डूब रहा था और कई सारे लोगों के बीच कुछ ही लाइफ बोट्स रह गई थी, वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इंसानियत दिखाई, जिनमें से एक थे बेंजामिन गुगनहाइम। उन्होंने जहाँ तक हो सके शिप में लोगों की मदद की और अपने आखिरी समय में अपना पसंदीदा सूट पहन के एक जेंटलमैन की तरह तैयार होकर अपनी मौत को बेखौफ गले लगाया। उन्होंने एक सर्वाइवर को अपनी वाइफ के लिए एक लास्ट मैसेज दिया। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क में मेरी पत्नी से कहना, मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
आखिरी बार बेंजामिन गुगेनहाइम को टाइटैनिक की ग्रैंड स्टेयरकेस के नीचे अपने सर्वेंट के साथ ब्रांडी और सिगार पीते हुए कुर्सी पे बैठे देखा गया था। मिल्विना डीन टाइटैनिक में सफर कर रही सबसे कम उम्र की यात्रियों में से एक थी, जो उस वक्त 2 महीने की थी। मिल्विना टाइटैनिक हादसे में जिंदा बची आखिरी सर्वाइवर्स में से थी, जो कि 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। इसिडोर एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे। ये कपल भी टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहा था। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब ईडा को लाइफ बोट नंबर 8 में जगह दी गई थी, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को पहले निकाला जा रहा था। लेकिन उन्होंने अपने पति इसिडोर के बिना जाने से मना कर दिया, भले ही कर्नल ग्रेसी और उनके अन्य दोस्तों ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अपने पति से अलग नहीं होंगी। उन्होंने कहा, जैसा कि हम अब तक साथ रह चुके हैं वैसे ही हम साथ मरेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के पैसेंजर थे तो बाद में इनके पति को भी इनके साथ जगह दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि जहाज में अभी भी बहुत बच्चे और महिलाएं हैं, उन सभी को अभी बचाया जाना बाकी है। और ईडा ने अपनी लाइफ बोट पर अपनी जगह उनकी मेड एलन को बिठा दिया। ईडा ने एलन को अपना फर वाला कोट दिया, ये कहते हुए कि उसे अब इसकी जरूरत नहीं है। ईडा और इसिडोर को आखिरी बार डेक पे गले मिले हुए देखा गया था। आई विटनेस का कहना था कि ये प्रेम और विश्वास का अद्भुत नजारा था। जहाज डूबने से दोनों की मौत हो गई। आखिरी कुछ पलों में टाइटैनिक की आखिरी बची बोट को अटलांटिक ओशन में उतारा जा रहा था, जो कि बचने की आखिरी उम्मीद थी। वो बदनसीब लोग जो उस बोट पे नहीं बैठ पाए, अब सिर्फ उस आखिरी बोट को और अपने बचने की आखिरी उम्मीद को टाइटैनिक में खड़े दूर से जाते हुए देखने के अलावा और कर ही क्या सकते थे। और अब जितना गहरा वो समुद्र था, उससे कई गुना गहरी उनकी निराशा थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ वास्तव में पानी में कूदकर लोगों को लाइफ बोट पर जाने में मदद कर रहे थे। एक सर्वाइवर कहता है, उन्हें वास्तव में लाइफ बोट पर एक सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने लाइफ बोट में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोगों को जितना हो सके बचाना चाहते थे और वो आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाना चाहते थे। 15 अप्रैल की सुबह 2:18 टाइटैनिक एक भयानक आवाज के साथ 2 हिस्सों में टूट गया और अब वहां भयंकर चीख पुकार मच गई। लोगों के रोने की आवाज समुद्र में दूर लाइफ बोट में बैठे लोग साफ सुन सकते थे। मॉली ब्राउन, जो कि सर्वाइवर्स में से एक थी, वो उस समय लाइफ बोट में थी। उनका कहना था कि उस गहरी अंधेरी रात में तारों और समुद्र के बीच में जब वो अंतिम क्षण आया, तब 2 हिस्सों में टूटा हुआ टाइटैनिक सीधे खड़े हो गया और 2:20 पर वो सीधे समुद्र में समा गया और अपने साथ उन 1500 लोगों को भी उस जमा देने वाले बर्फीले पानी के अंदर खींच ले गया। समुद्र के पानी का तापमान 0.2 डिग्री से भी नीचे था, जहां कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था, जबकि हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति केवल 2 मिनट में ही कोल्ड शॉक की वजह से मर गया था। मौली आगे बताती है कि टाइटैनिक के डूबने के बाद लोग तैरकर बचने की भी कोशिश कर रहे थे। उनमें से कई लोगों को तो तैरना भी नहीं आता था और कई लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। उन सबकी छटपटाहट से पानी का शोर और मदद के लिए चीखना रोना सब दिखाई दे रहा था। जब वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो उनकी मदद करने के लिए शिप वापस ले जाने के लिए अड़ गई, जिस वजह से उन्हें लोगों द्वारा धमका कर बैठा दिया गया। अगर वो वहाँ बोट ले गए तो जो लोग डूब रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, जिससे बोट पलट भी सकती है। ऐसा सोचकर लोगों ने उनका विरोध किया और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद ठंड में जमने के साथ साथ डूब रहे उन लोगों की आवाज और छटपटाहट भी शांत हो गई। उस समंदर में जैसे थोड़ी देर पहले वहाँ कुछ था ही नहीं। जो लोग बच गए उनमें से बहुतों के मन में हमेशा ये दुख और पछतावा रहा कि वो डूब रहे लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। कार्पेथिया 3:03 पर घटनास्थल पर पहुंचता है टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे बाद और 705 लोगों को रेस्क्यू कर लेता है जो लाइफ बोट में थे। जब वो वहां पहुंचे तो इतनी सारी बॉडीज देख के ऐसा लग रहा था मानो वो सब विशाल समुद्र में सो रखे हों। इस हादसे में टाइटैनिक के मुख्य शेफ को बचा लिया गया। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्होंने विस्की पीकर अपनी जान बचाई। उन्होंने काफी मात्रा में विस्की पी रखी थी, जिस वजह से 2 घंटे तक पानी में रहकर भी उनकी जान बच गई।
18 अप्रैल टाइटैनिक सर्वाइवर्स न्यूयॉर्क सिटी पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में लोग उनसे मिलने आते हैं। टाइटैनिक के डूबने की खबर दुनिया भर में फैल जाती है। बाद में न्यूज़पेपर्स में इस बारे में काफी खबरें छापी गई। इंक्वायरी हुई तो पता चला कि टाइटैनिक डूबने पर फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% लोगों को ही बचाया गया था। इस हादसे में डूबकर मरने वालों में सबसे ज्यादा पुरुष थे। वायलेट जेसप एक नर्स थी और ये टाइटैनिक जहाज में डूबने से बच गई थी। टाइटैनिक से ठीक पहले जेसप 1911 में ओलंपिक जहाज में ड्यूटी कर रही थी, तब वो एक ब्रिटिश शिप से टकरा गया, उसमें वायलेट बच गई। उसके बाद 1912 में टाइटैनिक हादसे में भी बच गई, लेकिन इत्तेफाक यहाँ खत्म नहीं होता। टाइटैनिक के बाद 1916 में HMS ब्रिटैनिक जहाज में भी थी और जर्मनी सबमरीन की एक माइन अटैक से ये शिप भी डूब गया था और जेसप इसमें भी बच गई थी, जिस वजह से इनका नाम मिस अनथिंकेबल पड़ गया था। प्रसिद्ध चॉकलेट के मालिक हर्षे भी टाइटैनिक पर आने वाले थे, वो अंतिम समय में यात्रा से चूक गए थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि उसमें सफर करने वाले सबसे ज्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला गया। यह समुद्र में 12,600 फीट की गहराई में मिला। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से दो टुकड़े हो गए थे। इनकी समुद्र में एक दूसरे से दूरी 600 मीटर की है। इतिहास में टाइटैनिक एक अकेला ऐसा जहाज है जो आइसबर्ग के टकराने से डूबा। जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा वो 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद ये भी नष्ट हो गया था, क्योंकि इसे भी काफी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक वो जहाज जिसे बनाने में 2 साल से भी ऊपर का समय लगा, वो सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया, जिसे गर्व से कभी द अनसिंकेबल टाइटैनिक कहा जाता था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।